हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इटरनल फूडी चैनल। मैं आरती। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। बहुत ही इजी तरीके से और घर की चीजों से ये डिलीशियस चिकन मसाला बन जाता है। चलो तो फिर बिना देरी के चिकन मसाला रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डिलीशियस चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा केजी फ्रेश चिकन लिया है। अब हम चिकन के ऊपर डाल देंगे एक चम्मच नमक, चार बड़े चम्मच फेटा हुआ कर्ड यानी कि दही। दही को अच्छी तरह फेट के ही डालना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, बट आप कौन से भी चिली पाउडर डाल सकते हो अपने हिसाब से। एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम चिकन को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर देंगे। यही प्रोसेस को मैरिनेट बोलते हैं। यहाँ पर चिकन को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम ढक्कन रखकर इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हो। अब हम पेस्ट बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में डाल लेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टोमेटो, 5-6 काजू, 1 हरी मिर्च तोड़कर डाल देते हैं। आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज्यादा भी डाल सकते हो। और अब हम इसे फाइन ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब हम पैन में डाल देंगे 3-4 चम्मच तेल। चिकन बनाने के लिए हम तेल थोड़ा ज्यादा ही यूज करेंगे। अब डाल देते हैं 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज को कब तक भूनना है कि जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ना हो तब तक। प्याज को भूनते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को 10-12 मिनट भूनना है। जितना ज्यादा आप प्याज को भूनेंगे उतना ही टेस्टी आपका चिकन मसाला बनेगा। यहाँ पर लगभग 12 मिनट हो चुके हैं इसे भून के और प्याज को गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम 1-2 मिनट भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। अब डाल लेते हैं टोमेटो की पेस्ट जो हमने तैयार की थी और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखे कि मैरिनेशन में भी हमने नमक डाला है तो उसी हिसाब से डालें और इसे मिक्स करके पका लेंगे। इसे कब तक पकाना है कि जब तक ऑयल सेपरेट आउट नहीं होता है तब तक। अब आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम मसाले डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, आप नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अभी ड्राई लग रहे हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये प्याज टोमेटो का पेस्ट एंड स्पाइसेस अच्छे से पक चुके हैं। चिकन मसाला बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सब अच्छे से पकना चाहिए, इसी से टेस्टी चिकन बनता है। अब इस स्टेज पर डाल देते हैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। और अब चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम 5-6 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेते हैं, बट इसे बीच बीच में हिलाते रहना है।
6 मिनट के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल दें और इसे मिक्स करके ढक्कन रख देंगे। इसे हम 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे बीच में ढक्कन निकालकर चेक करते रहना है। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं। वाव, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन को भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसे मिक्स कर देंगे। और अब ऊपर से डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया एंड थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और इसे मिक्स कर देंगे। और यह हमारा डिलीशियस चिकन तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अब मैं इसे एक डिश में निकाल लेती हूँ और इसे फुलके के साथ सर्व कर लेती हूँ। आप इसे रोटी, नान या फिर चपाती के साथ खा सकते हो। आई होप आपको ये चिकन मसाला की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गुड बाय एंड टेक केयर।